किया जाए आप लोगों को बताओ सरस्वती का क्रिएटर का नंबर पर मेरा वहाँ से हाई स्कूल हुआ और जैसा भी जैसा सरस्वती ज्ञान क्रिएटर कॉलेज जो है वो भी की बीटा कर चुका है इस साल में उसकी रैंक आई है उससे मेरा इंटर हुआ। इसके बाद मैंने इंटर करने के बाद रमनपुर में करीब एक साल पी जी किया जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था म्यूजिक और आर्ट। और मैंने मेरा एक माता पिता का सहयोग रहता है, बिना माता पिता के सहयोग भी कुछ नहीं आप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने लाइफ का एक एम बनाया कि मुझे किसी भी क्षेत्र में जाना है तो मुझे एक टारगेट के साथ जाना है कि मुझे उस क्षेत्र का हीरो बनना है। आप यदि पढ़ाई में जा रहे हैं, आप इंटरटेनमेंट में जा रहे हैं, स्पोर्ट में जा रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए उस क्षेत्र के आप इतने मतलब मरमत के बनिए कि आपको लोग सबसे अलग भीड़ में आप सबसे अलग दिखे। मैंने इंटर कर लिया, इंटर के बाद मेरा बीए लगा लिया। फिर मैंने सोचता रहा कि मैं अपना करियर बनाऊंगा, इससे पढ़ाई करके टीचिंग किया, एयरफोर्स एग्जाम वगैरह दिया, फिर मेरा कुछ ऐसा नहीं लगा मुझे ऐसा। फिर मैंने बीए के लिए ग्रेजुएशन कर दिया था। उसके बाद मैं इंटर के बाद मेरा थोड़ा म्यूजिक पे इंटरेस्ट था, म्यूजिक पे इंटरेस्ट था मेरा, तो मैं सिंगिंग करता रहा और मैं सीखने लगा। फतेहपुर मेरे गुरु जी रहे जिनका मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिला मुझे, उनके द्वारा मैं धीरे धीरे सीखता रहा और मैं दो साल सीखा, तीन साल सीखा। इसके बाद मैंने बड़े सीखा, टीवी चैनल पर मेरा मैंने कॉम्पिटिशन दिया, तो एक दो बार दिया तो मैं फेल हो गया क्योंकि वो मेरे तैयारी नहीं थी। और ये स्ट्रगल में क्योंकि घर वाले इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे, कभी तो पापा कहते थे मैं आर्कन ले आ जाता हूँ, और चोरी से मेरी स्कॉलरशिप आई थी बीए में तो मैं आर्कन ले आ जाता से जाकर सेकंड टाइम, तो पापा कहने लगे यार तुम क्या करोगे, फैमिली में कोई ऐसा किया नहीं है, नाचोगे गाओगे, लोग हंसते थे, गाँव में भी आदमी हंसते थे। लेकिन फिर मैंने उस चीज को अपने माइंड मेकअप कर लिया कि नहीं, मुझे आज जो हंसेंगे वो कल हंस रहे हैं वो कल मेरे पीछे तालियों में लगेंगे। फिर मैंने अपना स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, मुझे गुरु जी का मार्गदर्शन मिला और मैं मेहनत करता रहा। फिर मैंने टीवी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया, उससे मेरा सिलेक्शन हुआ जो कि 10,000 लड़कों में उत्तराखंड में पहला मेरा टीवी शो का शूट हुआ था, जिसमें 10,000 लड़कों में 100 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था। फतेहपुर से हम दो लोग थे, मैं और मेरे गुरु जी। इसके बाद हमारा मेरा टीवी शो भी अभी आ चुका है, मेरा